देश के प्रधानमंत्री आदिवासी जनमन महाअभियान में विशेष रूप से पिछड़े जनजाति परिवारों के लिए पक्का आवास बनाने के लिए सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में कुल 113,433 जनमन आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 22,619 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में पहला स्थान पर है। उड़ीसा 1,620 आवासों के साथ दूसरे, छत्तीसगढ़ 526 आवास बनाकर तीसरे और राजस्थान 87 आवास बनाकर चौथे स्थान पर है। प्रदेश में शिवपुरी में सबसे ज्यादा 4,443 आवास बने हैं। उमरिया में 3,264 आवास बनाकर दूसरे और शहडोल 3,164 आवासों के साथ तीसरे, मंडला 2,112 आवासों के साथ चौथे और अनूपपुर 1,891 के साथ पांचवे स्थान पर है। इसके साथ ही देश की पहली प्रधानमंत्री जर्मनी कॉलोनी शिवपुरी में बनाकर मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शिवपुरी जनपद पंचायत की हाथोद, कोटा और डबिया ग्राम पंचायतों में बनी देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने नए पीएम जनमन आवास में रह रहे सहरिया जनजाति के हितग्राही परिवारों से चर्चा की। उन्होंने सहरिया परिवारों का स्वागत किया और नया घर मिलने की बधाई दी। सहरिया परिवार की बहनों ने उन्हें राखी बांधी। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से सभी हितग्राही परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पंचायत मंत्री ने कहा कि देश में पहला जनमन आवास बनाने वाला जिला शिवपुरी पहला है और सबसे पहले जनमन कॉलोनी बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाला जिला भी शिवपुरी है। मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मैं डबिया से नेपाल, मोदी जी ने हमको आवास दी है, मुख्यमंत्री ने, हम सब धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सबको बधाई देने के लिए आया हूँ, शुभकामनाएं देने के लिए। और एक बात की और बधाई आप लोगों के कारण मध्य प्रदेश को मिली है। सहरिया, भारिया और बैगा जाति के लिए जो मकान बनने थे वो सबसे ज्यादा मकान देश भर में मध्य प्रदेश ने बनाए, नंबर एक। और मध्य प्रदेश में शिवपुरी वो जिला है जिसने नंबर एक पर अपना स्थान पूरे देश में रखा। 4,000 से ज्यादा मकान शिवपुरी में। दूसरे नंबर पर और भी जिले हैं हमारे, वो देश में उनका भी स्थान है। लेकिन इनके बनने से सिर्फ मकान नहीं बना। हम सहरिया जाति के लोगों में वो परिवर्तन चाहते हैं। पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तब भी उसने चिंता की, पर ये कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री ऐसी योजना लेकर आएंगे। और जब मुझे पहली बार बताया गया कि 23 दिन में एक पहला मकान देश में बना था तो वो भी शिवपुरी में बना था, और देश का दूसरा मकान बना तो वो छिंदवाड़ा में बना, वो 32 दिन में बना। ये भी मध्य प्रदेश को सफलता मिली। इसलिए सभी जो कर्मचारी और अधिकारी इस काम में लगे मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूं।